बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग बाल दाढ़ी बहुत अव्यवस्थित रखते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है? आजकल तो अर्पिता दाढ़ी रखने का एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दाढ़ी को बिल्कुल काट छांट कर सेट करके बड़े सही तरीके से रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, चाहे वो रोज नहाते हों लेकिन उनको देखकर लगता है कि पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं, कौन सी शक्ल बनाकर चले आए। तो बाल और दाढ़ी आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालती है ना। तो बाल दाढ़ी को अगर आप अव्यवस्थित रखते हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपके बालों का और दाढ़ी का संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ। शुक्र का मतलब होता है प्रेजेंटेशन और बुध का मतलब स्किन होता ही है, बाल होते ही हैं। तो बालों का संबंध होता है बाल और दाढ़ी का शुक्र और बुध के साथ। अगर आप इनको अव्यवस्थित रखते हैं तो शनि, शुक्र और बुध ये तीनों आपके गड़बड़ होंगे, तीनों आपके कमजोर होंगे। अपने बालों को हमेशा ठीक तरीके से रखें, अपने बालों को हमेशा ठीक सिस्टम में रखें ताकि आपका प्रभाव क्षेत्र अच्छा रहे, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छा पड़े। दाढ़ी को भी ठीक तरीके से सेट करा करके रखें ताकि आपकी वाणी और आपका ज्ञान अच्छा रहे। ऐसे बाल मत रखें जो आपके माथे को ढक लें। माथे को ढकने वाले बाल आपको नहीं रखने हैं। माथे पर बाल न रखें, नहीं तो आपकी किस्मत पर ग्रहण लग जाएगा। और जो कॉम है, जो कंघी है, इसको आप व्यक्तिगत रखें, दूसरे की कंघी का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका भाग्य कम होगा। तो बाल और दाढ़ी बिल्कुल सिस्टम में रखें, बिल्कुल सही तरीके से रखें, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके प्रभाव के लिए अच्छा है। और ऐसा करने से आपको उन तमाम जगहों पर फायदा होगा जहां पर प्रभाव से, पर्सनैलिटी से असर जरूर पड़ता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।